कांग्रेस सांसद के घर में इतना कैश, 3 दिन से लगातार गिन रही 36 मशीनें, फिर भी नहीं हुआ खत्म। राहुल गांधी के साथ घूमने वाले सांसद के पास कहां से आया इतना पैसा, गिनते गिनते थक गई मशीनें। नोटों के ढेरों पर पीएम मोदी का बयान, कांग्रेस के लिए 2024 में होगी मुश्किल, कैसे देगी कैश का जवाब। आप दिन रात पैसा पैसा करते रहें फिर भी कितना सोच पाएंगे, भारत का एक आम आदमी कितना सोच सकता है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस सांसद के घर से कैश मिल रहा है और अभी मिले ही जा रहा है। सोचिए 3 दिन से 36 मशीनें लगातार कैश गिन रही हैं और 300 करोड़ से ज्यादा गिन चुकी हैं, लेकिन कैश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर को अब लोग कुबेर लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दरअसल रांची में आयकर विभाग के अधिकारी शनिवार को 3 बैगों को लेकर साहू के आवास से निकले। जिस गाड़ी में इन बैगों को रखा गया था वो ओडिशा नंबर की थी। अधिकारियों के साथ एक सीआईएसएफ का जवान भी गाड़ी में नजर आया। आयकर विभाग की टीम रांची में धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से ये 3 सूटकेस ले गई है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी थी। कांग्रेस सांसद साहू के घर इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड में इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। आयकर विभाग की टीम ने बंटी साहू के घर से मनी बैग के लगभग 19 पैकेट जब्त किए, जिन्हें उस क्षेत्र के शराब कारखानों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सुतपारा के पास एक घर में छापेमारी कर पैसे जब्त किए गए। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की रकम 20 करोड़ के पार हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापे वाली जगह से बैंक में पैसा पहुंचाया जा रहा है। नोटों की गिनती में आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन गिनती मशीनें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये मशीनें सीमित क्षमता वाली हैं। ऐसे में नोटों की गिनती का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा नोटों की गिनती में देरी हो रही है। आयकर विभाग ने ये कैश बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी से जुड़े परिसरों से बरामद किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के शक में छापेमारी की थी। जब यहाँ छापेमारी हुई तो कंपनी के ऑफिस की अलमारियों और बेड से नोटों की गड्डियां मिलनी शुरू हुई। गौरतलब है कि धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। आयकर विभाग का यह छापा झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, देशवासियों को नोटों के इतने ढेरों को देखना चाहिए और फिर उनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनना चाहिए। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। बात अगर धीरज साहू की कुल घोषित संपत्ति की करें तो साल 2018 के राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी ओर से चुनाव आयोग को साझा की गई जानकारी के अनुसार धीरज साहू के पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति थी। इस दौरान उन्होंने खुद पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए के कर्ज का भी जिक्र किया था। वहीं वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ से अधिक बताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।